विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने इससे पूर्व के वीडियो में पढ़ा था कि नदियों के द्वारा जो योग्य जल है, सदुपयोग के योग्य जल है, वो यूं ही व्यर्थ रहकर चला जाता है। इसीलिए सरकार के द्वारा राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर अलग अलग परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इससे पूर्व हमने भाखड़ा नागर परियोजना के बारे में अध्ययन किया था, आज हम दामोदर घाटी परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। इस परियोजना का आरंभ 1948 ईस्वी में हुआ था। दामोदर नदी के ऊपर यह परियोजना आरंभ की गई। दामोदर नदी को बंगाल का स्रोत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से, माफ कीजिएगा, इस नदी के द्वारा सबसे ज्यादा बाढ़ और आपदा का कार्य पश्चिम बंगाल में होता है। यह पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, यानी दोनों राज्यों के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इस परियोजना के जो महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु है वे इस प्रकार है। स्वतंत्र भारत की प्रमुख परियोजनाओं में से ये एक प्रमुख परियोजना है। यह नदी पश्चिम बंगाल में मार्ग परिवर्तन, मृदा वर्धन, बाढ़ के लिए मुख्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बरसात काल होता है उस समय यह नदी सबसे ज्यादा पानी बहुत ज्यादा हो जाने के कारण अपने मार्ग को परिवर्तित करके जिधर जिधर निकलती है उस साइड में विनाश करते हुए आगे बढ़ती है। जब बहती जाता है तो मृदा का अपरदन भी सबसे ज्यादा होता है और बाढ़ आने के कारण ही इसको बंगाल का श्लोक कहा जाता है, क्योंकि ये नदी बंगाल में सबसे ज्यादा विनाश कार्य करती है। इस नदी पर 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो बाढ़ के द्वारा प्रभावित होता है, यानी लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर इस नदी के द्वारा बाढ़ के कारण विनाश की ओर चला जाता है। इसीलिए इस बाढ़ को और इसके द्वारा जो कुप्रभाव पड़ रहा है उस कुप्रभाव को खत्म करने के लिए इस नदी पर DVC यानी दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल और झारखंड, क्योंकि दोनों ही राज्यों के में बहती है, तो इन दोनों राज्यों के नदी घाटी द्वारा आर्थिक विकास करना तथा निवासियों के लिए जीवन स्तर में सुधार करना, ये इस परियोजना का महत्वपूर्ण मुख्य उद्देश्य है। इस नदी पर जो प्रमुख बांध बनाए गए हैं वे हैं मेथान बांध जो कि बाराकर नदी पर है, बोकारो बांध बोकारो नदी पर है, कोनार बांध कोनार नदी पर है, और इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बांध भी हैं जो इस नदी पर बनाए गए हैं, अधर बांध बरमो बांध जो दामोदर नदी पर बनाए गए हैं। इस परियोजना में 3 विद्युत ग्रहों का भी आरंभ किया गया है। वे विद्युत ग्रह हैं बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर, और लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उस पे नहरी विकास का प्रारंभ भी किया गया, यानी नहरें निकाल करके सिंचाई के लिए सुविधाएं प्रदान की गई है। अब इस पार्ट से, आठवें पार्ट से जितनी भी नदी परियोजनाएं हैं उनका एक मानचित्र का प्रश्न भी परीक्षा में आता है। तो बांध पूछ सकते हैं कौन कौन सा बांध कहाँ है, नदी परियोजना पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी परियोजना कौन कौन से राज्यों की है, संयुक्त है, सिंगल है, उसके बारे में एक मानचित्र का प्रश्न तथा 2 नंबर का एक लघुतात्मक प्रश्न भी पूछा जाता है। दामोदर घाटी परियोजना के पश्चात अब हम हीराकुंड परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। हीराकुंड परियोजना का आरंभ 1957 में हुआ था। यह महानदी के ऊपर बनाया गया है, उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसको उड़ीसा का स्रोत भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार दामोदर घाटी परियोजना में दामोदर नदी के द्वारा बंगाल में बाढ़ की स्थिति बनती है, मृदा का अपरदन ज्यादा होता है, ठीक उसी प्रकार हीराकुंड बांध में भी महानदी के द्वारा उड़ीसा में यही स्थिति पैदा होती है। इसी के कारण उड़ीसा की स्थिति विनाश की ओर चली जाती है, लगभग जन और धन दोनों की खूब हानि करती है, इसीलिए इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इस परियोजना के कुछ मुख्य बिंदु हैं वे इस प्रकार है। 68 करोड़ की लागत से संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर हीराकुंड बांध बनाया गया है। इसकी सबसे जो बड़ी विशेषता है वो ये है कि यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4,801 मीटर है। 810 करोड़ घन मीटर जल
इस बांध से संचित होता है यानी इकट्ठा किया जाता है। इस बांध पर माफ कीजिएगा, इस परियोजना में टिकरपड़ा और नराज दो बांध बनाई गई है। यह योजना दो चरणों में पूर्ण हुई थी। पहले चरण में महानदी पर हीराकुंड बांध संबलपुर में बनाया गया और दूसरे चरण में चार विद्युत घरों का निर्माण किया गया। जैसा कि हमने पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अध्ययन किया था, अब हम राजस्थान की जो राज्य स्तर पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उनमें सबसे पूर्व में हम इंदिरा गांधी नहर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले के अध्ययन में पढ़ा था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण क्यों किया जाता है, इनका निर्माण करने के पीछे उद्देश्य क्या होते हैं, तो एक से अधिक उद्देश्य होने के कारण इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। कहीं पर पानी की समस्या के समाधान के लिए, कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए, कहीं पेयजल की आपूर्ति के लिए और कहीं बाढ़ से नियंत्रण करने के लिए, कहीं मृदा अपरदन से बचाने के लिए। इस प्रकार एक से अधिक उद्देश्य होने के कारण इन परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। आज हम इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस परियोजना का निर्माण 1 अप्रैल 1958 को हुआ था। उद्घाटन गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। प्राचीन नाम इसका राजस्थान नहर था। फिर 2 अक्टूबर 1984 को इसका नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इसके योजनाकार थे, प्रारंभिक योजनाकार थे, उनका नाम था कंवर सिंह, जो कि बीकानेर के तत्कालीन इंजीनियर थे। उनके द्वारा ही इंदिरा गांधी नहर की पूरी योजना बनाई गई थी। प्रारंभिक स्थल इसका हरि के बैराज से है, जो कि पंजाब में स्थित है। वहां पर सतलज और ब्यास नदियों का जो संगम है वहां पर हरि के बैराज बनाया गया और वहीं से इस नहर को राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से होते हुए निकाला गया है। इस परियोजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वे इस प्रकार है। यह भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी कुल लंबाई राजस्थान में इसकी कुल लंबाई माफ कीजिएगा प्रारंभिक स्थल से राजस्थान तक इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। पंजाब में ये 169 किलोमीटर है और हरियाणा में ये मात्र 14 किलोमीटर बहती है। इसके पश्चात जो इसका शेष भाग है वो सारा का सारा राजस्थान को लाभान्वित करता है। इस नहर से राजस्थान के 9 जिले, 29 कस्बे और 3461 गांव को पेयजल की आपूर्ति की जाती है, यानी इन विभिन्न स्थानों के को पानी की सुविधा इस नहर के माध्यम से प्रदान की जाती है, यानी कि इसका निर्माण पेयजल की आपूर्ति के लिए किया गया। साथ ही साथ लिफ्ट नहरों के माध्यम से सिंचाई का कार्य भी किया जाता है। इस नहर को दो चरणों में पूर्ण किया गया था। उन दोनों चरणों में एक जो नहर निकाली गई थी उसका नाम था राजस्थान फीडर और एक थी मुख्य नहर। राजस्थान फीडर है ये हरि के बैराज से मसीदावली हनुमानगढ़ तक लाई गई थी, यानी प्रथम चरण में हरि के बैराज जो इसका प्रारंभिक मुख्य बिंदु है वहां से हनुमानगढ़ के मसीदावली तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था और उसके पश्चात मसीदावली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक यानी गडरा रोड बाड़मेर तक ये नहर प्रारंभिक स्थल से बहती है और ये मुख्य नहर कहलाती है। तो ये मसीदावली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक इस नहर से सिंचाई के उद्देश्य से लिफ्ट नहर और विभिन्न शाखाओं का निर्माण भी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में खास करके अंतर्राष्ट्रीय जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए इस नहर का निर्माण किया गया था। तो पश्चिमी राजस्थान में 9 शाखाएं तथा पूर्वी राजस्थान में, क्योंकि इस क्षेत्र में ऊंचाई वाला क्षेत्र ज्यादा है तो जहाँ सीधे नहर के माध्यम से पानी नहीं पहुंच सकता इसलिए लिफ्ट नहरों के माध्यम से वहां जल पहुंचाया जाता है। इस नहर पे कुल 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि को इस नहर के माध्यम से सिंचित किया जाता है।